आपने भी अपने आसपास के लोगों को बात करते हुए सुना होगा कि एसएससी का एग्ज़ाम है या एसएससी का रिजल्ट आने वाला है, तो आपने सोचा होगा ये एसएससी का एग्ज़ाम क्या होता है। तो अगर आप भी नहीं जानते कि एसएससी का एग्ज़ाम क्या है और आप जानना चाहते हैं एसएससी के बारे में, तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एसएससी का एग्ज़ाम क्या है, एसएससी का एग्ज़ाम कौन दे सकता है, एसएससी एग्ज़ाम देने के बाद आप ऑफिसर कैसे बन सकते हैं, एसएससी के एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एसएससी एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको कितनी सैलरी मिलेगी। तो आज के इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और अगर आप भी सरकारी नौकरी चाहते हैं और महीने में अच्छी इनकम करना चाहते हैं तो एसएससी के एग्ज़ाम के बारे में आपको ज़रूर जानना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एसएससी का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसे हिंदी में कर्मचारी चयन आयोग भी कहते हैं। एसएससी एक ऐसा विभाग है जो प्रतिवर्ष लाखों छात्रों को रोजगार प्रदान करके उन्हें सरकारी नौकरी देता है। अगर कोई भी छात्र सरकारी नौकरी चाहता है तो उसकी सबसे पहली पसंद एसएससी होती है। अब बात करते हैं कि एसएससी का एग्ज़ाम कौन दे सकता है। देखिए, एसएससी का एग्ज़ाम सभी वह छात्र दे सकते हैं जिन्होंने हाई स्कूल पास कर लिया है। जी हाँ, जिन्होंने हाई स्कूल पास कर लिया है वो भी एसएससी का एग्ज़ाम दे सकते हैं, या जिन्होंने ग्रेजुएशन कर ली है वो भी एसएससी का एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्योंकि एसएससी के एग्ज़ाम में बहुत तरह के एग्ज़ाम कराए जाते हैं। तो कोई भी स्टूडेंट्स इसको देकर अपनी मनपसंद सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकता है। अगर कोई स्टूडेंट्स 10वीं पास है यानी हाई स्कूल कर चुका है और वो एसएससी का एग्ज़ाम देना चाहता है तो 10वीं पास के लिए एसएससी एमटीसी का एग्ज़ाम होता है। अगर कोई स्टूडेंट्स 12वीं पास है, इंटर कर चुका है और वो एसएससी का एग्ज़ाम देना चाहता है तो 12th वालों के लिए एसएससी सीएचएल का एग्ज़ाम होता है। अगर कोई स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन पास कर चुका है तो उसके लिए एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम कराया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि एसएससी क्लियर करने के बाद ऑफिसर कैसे बन सकते हैं और कौन लोग ऑफिसर बन सकते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एसएससी के एग्ज़ाम में कई तरह के लेवल होते हैं, 10th, 12th और ग्रेजुएशन वालों के लिए भी। तो आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन सकते हैं, आप इंकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हैं, सीबीआई इंस्पेक्टर बन सकते हैं या सीबीआई ऑफिसर आप बन सकते हैं, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आपको ये सारे ऑफिसर बनना है तो आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, उसके बाद आप एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम पास करके ही ये ऑफिसर बन सकते हैं। अब बात करते हैं एसएससी में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और अक्सर स्टूडेंट्स को ये जानने की इच्छा होती है कि कैसे कैसे क्वेश्चन एसएससी के पेपर में आते हैं। तो इसमें जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, करेंट अफेयर्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, रीजनिंग, सभी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि एसएससी क्लियर करने के बाद कितनी सैलरी मिलती है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि देखिए, इसमें अलग अलग तरह के एग्ज़ाम कराए जाते हैं तो पोस्ट के अकॉर्डिंग ही इसमें सैलरी मिलती है। जो सैलरी होती है यह पूरी तरह से डिपेंड करता है कि आपने एसएससी का कौन सा एग्ज़ाम दिया है और आप किस पोस्ट पर जॉब कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको आइडिया के लिए बता देती हूँ कि कितनी सैलरी मिल सकती है, थोड़ा आपको आइडिया लग जाए, तो आपको हिंट दे देती हूँ। देखिए, अगर आप 10th पास करके एसएससी एमटीसी का एग्ज़ाम देकर एसएससी क्लियर किए हैं तो आपकी जो सैलरी होगी वो 20,000 के ऑलमोस्ट होगी, उससे कुछ ऊपर या कुछ कम भी हो सकती है। अगर आपने एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम दिया है 12th करने के बाद तो आपकी जो सैलरी होगी वो 25,000, 27,000 या 28,000 के आसपास महीने की होगी। उसके अलावा अगर आप ग्रेजुएशन करने के बाद एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम दे रहे हैं और क्लियर कर लिया है तो आपकी सैलरी 45,000 से भी शुरू हो सकती है। तो ग्रेजुएशन के बाद ही आप लोग एसएससी सीजीएल करें तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि सैलरी भी इसमें काफ़ी अच्छी मिलती है। तो आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे कि एसएससी का एग्ज़ाम क्या है, कौन दे सकता है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और कैसे ऑफिसर हम इसमें बन सकते हैं और कितनी सैलरी इसमें मिलती है।
तो ऐसी ही वीडियोस लगातार मैं चैनल पे अपलोड करती हूँ, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। हमारे चैनल के अबाउट में आपको लिंक मिल जाएगी।